हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज आम पॉलिटिक्स रो किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा जोटा OSSSC बहुत बहुत इम्पोर्टाट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। प्रथम क्वेश्चन कौन कही द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, एटा इलेक्टेडटा दुई थर लिखाई जाइए गोटे काटि दिवटा। तेल राज्यसभा मेंबर मैंने क्या द्वारा इलेक्टेड हूँ, कौन कौन दे ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौट तुम राइट आंसर हम ना ए इज योर राइट आंसर। ओके, आउ या सहित जो रिलेटेड होकर आउ किसी तुमको पचारे राज्यसभा आम कौ आर्टिकल स्पेसीफाई होकर अच्छी तार आंसर जब तुमको पचार तुम कौन आंसर दब ना 80 आर्टिकल कन्स्टिट्यूशन 79 पार्लियामेंट विषय लिखाही 81 तुम लोकसभा विषय लिखाही। तापर आम दुई नंबर क्वेश्चन को जीवा कौन कही टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तेल टोटल हाई कोर्ट के अच्छे ना हाई कोर्ट है 25 इज योर राइट आंसर। तो देखो आम टोटल मैंने स्टेट के 28 यूनियन टेरिटरी 8 किंतु 28 25 केमती रोचे ना गोटे किसी स्टेट कॉमन हाई कोर्ट रोचे जमी मुझेपर कोलकाता जोटा हाई कोर्ट रोचे से आंडामान निकोबर हाई कोर्ट सेटा गोटे जगह मैंने कोलकाता और आंडामान निकोबर हाईकोर्ट से गोटे कोलकाता नहीं अच्छे एमती टाइप रही छोटा सेमती हाईकोर्ट अच्छे जो मैंने कि कमन होकर अच्छा। ओके, तो तुम 25 हाईकोर्ट राइट आंसर होगा। तीन नंबर क्वेश्चन कौन पचारे हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ताले आम जो इंडिया माने यूनाइटेड नेशंस जो अच्छी तार जनरल असेंबली जो गोटे भाग अच्छे ऑर्गन अच्छे तो सहीठर फास्ट आम वुमेन प्रेसिडेंट किए हेले ना विजयलक्ष्मी पंडित। कौन आंसर हम ना विजयलक्ष्मी पंडित। ए भितर एवं किसी जन बुझी पार नथिबे कि यूनाइटेड नेशन क्या कहा जाए। ओके, यूनाइटेड नेशन क्या कहा जाए तो देखो मुझे आम वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिते बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेला परे कौन हला ना 1945 रे कौन तैयारी हला ना यूएन तैयारी हला यूनाइटेड नेशन तैयारी हो गला। एटा चार्टर एक्ट तार गोटे थला यूएन चार्टर अनुसार एटा तैयारी होता कौन करिया पाई ना तीन टा जिनस करिया पाई गोटे हला इंटरनेशनल पीस आउ सिक्योरिटी आनिया पाई ता सहित सामाजिक आउ अर्थनैतिक डेवलपमेंट विकास सेटा आनिया पाई ता सहित ह्यूमन राइट को प्रमोट करिया पाई माने जो इम्प्लिकेशन हेतला वर्ल्ड वॉर रे से गुडा को कमेया पाई आउ डेवलपमेंट करिया पाई यूएन गठन हेतला। तो यूएन टा आगरु बेले बेले क्वेश्चन पड़ी जाए यूएन टा आगरु कौन थिला ना जदि यूएन टा तुमको पचारे आगरु कौन थिला तार आंसर कौन दबो तुम्हें ना सेटा हला लीग ऑफ नेशन थिला लीग ऑफ नेशन जोटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर परे तैयारी हेतला 1990 रे तैयारी हेतला। ओके, जोटा कि ट्रिटी ऑफ वर्सेली कहा जाए से अनुसार तैयारी हेतला। तो ये गला यूनाइटेड नेशन उपरे कथा। तापर आम जब देखापी जा मुझे कहना जी यूनाइटेड नेशन जो रोचे ऑर्गन के रोचे यूएन एवं यूएन ने टोटल केतटा मेंबर अच्छे 193 मेंबर अच्छा जिते माने तैयारी फास्ट फास्ट से 50 मेंबर थे बुझेगा जदि मु लास्ट मेंबर कथा कहना जी से साउथ सुदान। साउथ सुदान है लास्ट मेंबर सेटा है जुलाई 2011 बेलू जॉइन है यूएन ने। ओके, युवा बेले बेले क्वेश्चन पड़ जाए तो ये जो यूएन देखु यूएन न किसी पार्ट अच्छे यूएन न पार्ट कहले यूएन न पांचटा ऑर्गन अच्छे पांचटा पार्ट अच्छे गोटे है कौन ना गोटे है जनरल असेंबली आउ गोटे है तुम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आउ गोटे है तुम सिक्योरिटी काउंसिल आउ गोटे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ कहा जाए जोटा कि आउ गोटे रहा तुम ट्रुसेसिप काउनसिल एमती आउ गोटे सिक्यूरीटी काउनसिल यही सब पांचटा टाइप रोचे बुझेगा सेक्रेटेरिएट गोटे रोचे तेल ये जिते सब आम जनरल असेंबली कथ कहपी प्रत वर्ष कौन हुए सेप्टेम्बर बेलू प्रत वर्ष सेप्टेम्बर बेलू जितकी जन मेम्बर अच्छा कौटी अच्छी यूएन टा मुझे कही दूसरे न्यूयॉर्क अच्छी यूएसए न्यूयॉर्क अच्छे ताले प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मसरे कौन हुए ना सेप्टेम्बर मसरे मीटिंग हुए कौटी ना जनरल असेंबली रे यूएन न्यूयॉर्क रे तो सही प्रेसिडेंट मनोनीत हूँ प्रति वर्ष प्रेसिडेंट मनोनीत हूँ तो सही प्रेसिडेंट कथा कहा आम फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट किए ना जोटा तुम कहली ये किए ना सी
ना तुम्हार गणेश वासुदेव सॉरी सॉरी एटा नहीं वेट तीन नंबर क्वेश्चन टा पड़े वाला विजय लक्ष्मी पंडित ए इज योर राइट आंसर। तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन कही देखो हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा तले लोकसभा प्रथम स्पीकर किए थे एटा गणेश वासुदेव मावलांकर बेले बेले फास्ट पचार दिए तो तुमको जब पचारे फास्ट जनरल गवर्नर किए थे माने इंडिपेंडेंट इंडिया रो जेते बेले आम माने देश स्वाधीन हो नाला से जनरल गवर्नर किए थे ना से माउंट बेटेन है जनरल गवर्नर थे ओके तापर आज जब तुमको पचारे प्रेसिडेंट किए थे से माने माने प्रथम प्रेसिडेंट किए थे ना राजेन्द्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट थे प्रथम प्राइम मिनिस्टर किए थे ना जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम होम मिनिस्टर जब तुमको पचारा जाए कौन आंसर दबो सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ ना स्टाच्यू ऑफ तुम यूनिटी अच्छे 182 मीटर जोटा कौटी अच्छे ना से तुम नर्मदा रिवर पाखे अच्छे है यू आसीपा फास्ट गुड़ा पचारिपे ओके यहाँ सब मन रख आउ जदि कथा कहें जी लोकसभा कौ आर्टिकल स्पेसीफाई होती ना 80 नंबर आर्टिकल ले देखो आम पार्लियामेंट रोचे आम पार्लियामेंट रोचे तो पार्लियामेंट तीन भाग में विभक्त किए किए ना गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा गोटे प्रेसीडेंट तो प्रेसीडेंट कटा 52 आर्टिकल लिखाई है राज्यसभा जोटा कि तार अलग नाम है काउनसिल ऑफ स्टेट कि अपर हाउस कहा जाए यहाँ कौ आर्टिकल स्पेसीफाई हो ना यहाँ तुम 80 नंबर आर्टिकल मैंने मानने स्पेसीफाई हो तो राज्यसभा मेम्बर मान को किए मनोनीत करती मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने विधानसभा जो मेम्बर अच्छा आमर MLA से मैंने राज्यसभा मेम्बर को मनोनीत करती तप लोकसभा जदि कथा कहें जी 81 या लोकसभा को आम लयर हाउस भी कह काउंसिल ऑफ पीपल भी कह बुझेगा ये सब अच्छी जिनस नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन कही ना यूनियन बजेट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन ताले यूनियन बजेटा कौटी प्रेजेंट करा जाए ना लोकसभा किए प्रेजेंट करे ना फाइनेंस मिनिस्टर एटा को प्रेजेंट करते यूनियन बजेट बाटा को कहा जाए फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट कहा जाए है फाइनेंशियल बजेट स्टेटमेंट भी कहा जाए एटा को तो आमर एवं जब पचारे तुमको फाइनेंस मिनिस्टर किए अच्छा ना निर्मला सीतारमण अच्छा ओके क्लियर तो यही विषय यूनियन बजेट विषय कौ आर्टिकल लिखाई है ना 112 आर्टिकल लिखाई है जदि तुमको पचारे 110 आर्टिकल कौन लिखाई है ना मनी बिल कथा लिखाई है मनी बिल आउ जदि पचारे तुमको 111 आर्टिकल कौन लिखाई ना मनी बिल को मानने एसेंटा मनी बिल पास हाँपाई कहार एसेंट दरकार से लिखाई यू गला राज्यसभा जान सुप्रीम कोर्ट जान विधानसभा जान है युवा सब जना अच्छे तब 6 नंबर क्वेश्चन कौन कहला व्हिच स्टेट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ हाउस ताले कौ स्टेट रो सबुठ हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अच्छा कौटी ना तुम पार्लियामेंट रे आम जो राज्यसभा और लोकसभा अच्छी से सबुठ बेसी रिप्रेजेंटेटिव माने कौ स्टेट रे ना तुम है राइट आंसर कौन हम ना उत्तर प्रदेश हम जदि तुमको उत्तर प्रदेश जदि कथ कहें जी उत्तर प्रदेश कैपिटल कौन हम उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ लखनऊटा कौ नदी कूल अच्छे ना गोमती नदी कूल गोमतालु जोटा बाहर है यहाँ मन रख सब बेले बेले पड़ जाए यूपी यूपी तुम आग्रा अच्छे आग्रा पाखे जो देख जमुना कूल आग्रा अच्छे जमुना शाहजहान मुमताज मानने मुमताज बनते ओके तापर जदि कथा कहें जी ये लोकसभा के टोटल सीट अच्छे ना लोकसभा 80 सीट एटी अच्छी है लोकसभा को रिप्रेजेंट हो जाती 80 जन सेमती राज्यसभा को केते जन जाती ना 31 जन जाती आम जब ओडिशा रे कथा कहें जी ओडिशा रे 21 आउ 10 ताले भाव एटा केते आउ यूपी है तुम सब लार्जेस्ट पपुलेसन पपुलेसन सबुठला बेसी बहुत पपुलेसन से इंडिया जिते गुड़ा स्टेट अच्छा सबुठ जदि कह लार्जेस्ट स्टेट इन केस ऑफ पॉपुलेशन ताले तुम राइट आंसर कौन हम यूपी बा यूनाइटेड सॉरी उत्तर प्रदेश आउ जो तुमको पचार जाए एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौटा हम ना राजस्थान है यूपी रे एत मानने भाविपच 75 टा पाखापाखी डिस्ट्रिक्ट अच्छे मानने गुड़ा टोटाल जिला अच्छे 75
तो सेठी जदि जानी समस्ते प्राइम मिनिस्टर सेठी चीफ मिनिस्टर किए अच्छा सीएम सीएम आम योगी आदित्यनाथ अच्छा एवं आ गवर्नर किए अच्छा ना आनादीन पटेल है आनादीबेन पटेल एमती टाइप कौन नाम गोटे अच्छे तब नेक्स्ट जीवा कौन कौन हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया तले फर्स्ट फीमेल गवर्नर किए थे ना सरोजिनी देवी थे सरोजिनी नायडू हु इज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तले कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ जिनस कॉन्स्टिट्यूशन है जानते समस्ते कॉन्स्टिट्यूशन हेड क्या कहुए ना कॉन्स्टिट्यूशन हेड क्या कहुए ना प्रेसिडेंट को कहुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे प्रीएम्बल अच्छे जो लिखाई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजर्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवेराइन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट ऑल इट्स सिटीजन्स तार चार्टा पिलर अच्छे जस्टिस इक्वालिटी फ्राटर्निटी आउ गोटे इंटीग्रिटी एगुटा सब रोचे तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन कौन Who among the following can remove the governor of a state from office? देख गवर्नर को किए गवर्नर किए ना गोटे राज्यर हेड को कौन कहुए ना राज्यर हेड को गवर्नर कहुए आम ओडिशार गवर्नर किए गणेशी लाल जानी थी तो से गवर्नर को किए अपॉइंट करती ना गवर्नमेंट गवर्नर को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करती तो किए काढ़ीपर का किए ना काढ़ीपर तुम प्रेसिडेंट ही काढ़ीपर है तो हु एमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम ऑफिस तले किए काढ़ीपर ना पार्लियामेंट नहीं काढ़ीपर सॉरी प्रेसिडेंट काढ़ीपर ओके प्रेसिडेंट नॉट पार्लियामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन कही द पार्ट वी आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू कहाँ एप्लीकेबल नुह देख पार्ट वी आई कहले स्टेट स्टेट को बुझाए मैंने स्टेट सहित स्टेट विषय लिखाई आम जो कहपाई जावा 52 रु 151 पर्यंत यूनियन विषय लिखाई तो स्टेट विषय तुम 51 ऑनवर्ड लिखाई एटा स्टेट तो टेरिटोरी आम कह गोवाटा से यूनियन टेरिटोरी थी एक्चुअली दुईटा तुम राइट आंसर हवा कथा एवं कि जम्मू काश्मीरटा 31 अक्टोबर 2019 अलग हो जाए मानने यूनियन टेरिटोरी हो जाए तो आगे एटा स्टेट थी तो से अनुसार देखा गले गोवा इज राइट आंसर तापरे कौन कही इन ह्विच एमंग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड प्रोपाउंडेड माने एक्सप्लेन करवा द थियोरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताले कौ वर्डिक्ट रे बा कौ वर्डिक्ट रे कौ न्याय रे सुप्रीम कोर्ट आमर बेसिक स्ट्रक्चर कथा कहले देखो बेसिक स्ट्रक्चर टा कौन बेसिक स्ट्रक्चर टा सेंती किसी मेंशन हैनी बेसिक स्ट्रक्चर टा एमती कि जोथरे कि लॉ बनै पारिबेनी हला बेसिक स्ट्रक्चर को देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल और नॉट हाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल हमर 368 आर्टिकल अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल माने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करहब किंतु कॉन्स्टिट्यूशन एमती किसी पार्ट रही जोटा कि चेंज करहबन है जोटा कि तुम चेंज करहबन सपोज मुझ कहें जी गोटे आमर थी प्रॉपर्टी राइट माने जगह उपरे आम अधिकार रोचे सेटा केते रे थिला ना आर्टिकल 19 क्लोज ए क्लोज तुम ई रे थिला हला पांच नंबर आर्टिकल थिला तो सेटा को सॉरी एफ थिला तो सेटा को रिमूव कर दिया है केते रे अमेंडमेंट रे सेटा को रिमूव कर दिया वाला माने प्रॉपर्टी राइट अमर नाही केते रे सेटा रिमूव कर दिया वाला ना जदी 50 सेटा 42 अमेंडमेंट जोटे के 1976 रही थिला एथरे सेटा रिमूव कर दिया वाला ता माने फंडामेंटल राइट सेटा जो थिला पूर्व रोटा को अमेंड करी के कोन कर दिया वाला चेंज कर दिया वाला तो एटा माने या माने एठु जान ले जामे कॉन्स्टिट्यूशन को आमे चेंज करी पारिबा तो एमती किसी जिनस अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन किए चेंज करे एगुड़ा सब ना पार्लियामेंट चेंज करे एमती किसी जिनस कॉन्स्टिट्यूशन आम संविधान ने अच्छे जोटा को आम चेंज कर पारे तो सहीटा को कौन कहुए ना बेसिक स्ट्रक्चर तो से बेसिक स्ट्रक्चर आईडिया कौ न्याय कौ वर्डिक्ट आसला ना सुप्रीम कोर्टर फेमस केस केशव नंदा भारती केस आसला ओके तापर द मेम्बर ऑफ पंचायत आर ताले पंचायत मेम्बर को मेम्बर गुड़ा कौन ये नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ना द इलेक्टोरेट ऑफ रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट आंसर नॉमिनेटेड बाय सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर एटा भी नुहे एटा भी नुहे तले कौन हम सेटा से क्या द्वारा इलेक्ट से गोटे गोटे इलेक्टोरेट ऑफ द रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकल गवर्नमेंट जोटा कि आम 1992 बेलू जो आसला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है थ्री टायर ऑफ थ्री फोल्ड सिस्टम थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट जोटा कह
ତାପରେ କୁହାଯିବ କ'ଣ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା ଇଜ୍ ଦା, ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା କେତେ ନମ୍ବର ଲୋକସଭା ନା, ଏଇଟା 17 ନମ୍ବର ଲୋକସଭା। ଆମ ଯେଉଁ ଏବେ ଲୋକସଭାଟା ଚାଲିଛି ମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ସେଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ନା 17 ନମ୍ବର ଲୋକସଭା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେସିଡ଼ୁଆରୀ ପାୱାର, ତାହେଲେ ଆମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଯେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦେଖ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ରେସିଡ଼ୁଆରୀ ପାୱାର ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ସିଏ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବ ନା, ଅଲ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ ଆମ 105 ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ହେଲା ସେଇଠି ମାନେ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି। ତ ରେସିଡ଼ୁଆରୀ ପାୱାର ଅଲଗା ତାଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଟିକେଲରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଏ ଟର୍ମ ଅଫ୍, ତାହେଲେ ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟେନିୟର କେତେ ନା, 5 ବର୍ଷ, ହେଲା 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଟେନିୟର। ଦେଖ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲଢ଼ିବାର ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସ ହେଲା 25 ବର୍ଷ, ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରେ ଯଦି ପଚାରେ ତୁମକୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ହେବା ଦରକାର, 18 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଏଇ 18 ବର୍ଷଟା 21 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା। 86 ଆଇ ଥିଙ୍କ 86 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା, ତାକୁ 21ରୁ 18 ବର୍ଷ କରିଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲା ତାହେଲେ, ସୋ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୱି ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ସେସନ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଯଦି ସେସନ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଣିବି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍।